तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट एलईडी टीवी में मोबाइल को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारे पास एक जो स्मार्ट एलईडी टीवी है, तो उसमें जो फ़ोन है तो उसको हमें कनेक्ट करके उसमें चलाना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको किसी भी जो स्मार्ट टीवी यूज़ करते और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते तो आपको आसान तरीके मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको स्मार्ट टीवी में चला सकते हो। तो आपको क्या सेटिंग करना है, तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका जो टीवी है, तो टीवी को आपको जैसे ऑन करते तो वैसे आपका इंटरफेस है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। तो आपको रिमोट से होम बटन को प्रेस कर देना है। तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ से मैंने रिमोट से होम बटन को प्रेस कर दिया है। तो हमारा जो टीवी में कई सारे जो ऑप्शन है यहाँ से हमारा शो हो चुका है। तो वैसे आपको होम बटन को प्रेस करते तो आपका टीवी में कई सारे जो ऑप्शन है, कई सारे जो सेटिंग है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। लेकिन आपका जो मोबाइल है, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें आपको टीवी में कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल में सेटिंग करना है। तो चलिए ऐसे में सेटिंग करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल में आपको कई सारे जो वीडियो फोटो है उसको आपको टीवी में देखना है, उसमें कनेक्ट करना है। तो आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल में आपको वाईफाई को ऑन कर देना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको ओनली फॉर वाईफाई को ऑन करना है। तो वैसे मैंने मोबाइल में वाईफाई को ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में जो सेटिंग है वही आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ से मैंने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करके यहाँ से आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ऑन कर देना है। और ऑन करके आपको यहाँ पे टीवी में सेटिंग करना है। तो चलिए ऐसे में टीवी में सेटिंग करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल में स्क्रीन कास्ट को ऑन करके आपका जो टीवी है, तो टीवी में जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन होता है वही आपको ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने टीवी में जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है यहाँ से मैंने ओपन कर दिया है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, जो स्मार्ट टीवी का नाम है यहाँ से आपका स्क्रीन कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करके आपको यहाँ पर वेट कर देना है। तो आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है यहाँ से आपका टीवी में शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है वही हमारा पूरा स्मार्ट टीवी में कनेक्टेड हो चुका है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि जैसे हम स्क्रीन को रोटेट करते स्क्रॉल करते तो हमारा जो टीवी में स्मार्ट टीवी में यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा है। तो वैसे आपको मोबाइल को स्मार्ट एलईडी टीवी में यहाँ से आपको कनेक्टेड कर सकते हो। किसी भी आपको वीडियो प्ले करना है तो गैलरी में जाके आपको यहाँ से आपको वीडियो भी प्ले कर सकते हो। तो स्क्रीन में देख लीजिए कि यहाँ से मैंने मोबाइल में जो एक वेडिंग का वीडियो को प्ले किया है, तो सही से हमारा जो टीवी में वीडियो भी हमारा प्ले हो चुका है। तो आपको मोबाइल को रोटेट करना है तो यहाँ से आपको फुल स्क्रीन में प्ले भी कर सकते हो। तो वैसे आपको किसी भी वीडियो प्ले करना है, किसी भी फोटो देखना है, गेम खेलना है, तो यहाँ से आपको मोबाइल से कर सकते हो। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमने मोबाइल में यहाँ से हमने गेम को प्ले किया है। तो चलिए यहाँ से मैं टीवी में गेम को प्ले करके बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे लोडिंग पे हो रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे वेट कर देना है। तो आपका जो मोबाइल का गेम है यहाँ से आपका टीवी में शो हो जाएगा। किसी भी मोबाइल से गेम खेलना चाहते हो तो आपको टीवी में आसान तरीके मोबाइल को कनेक्ट करके यहाँ से आपको गेम पे खेल सकते हो। तो स्क्रीन में देख लीजिए कि यहाँ से हमने मोबाइल में गेम को प्ले किया है, तो सही से हमारा टीवी में गेम भी प्ले हो चुका है। तो वैसे आपको किसी भी गेम खेलना है मोबाइल से टीवी में, तो वैसे आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि सही से हमारा गेम है यहाँ पर हमारा टीवी में प्ले हो चुका है। यहाँ से हमारा कोई स्क्रीन लेग भी नहीं हो रहा है, सही से जो गेम है यहाँ पे प्ले
हो चुका है। तो वैसे आपको किसी भी फोटो देखना है, वीडियो देखना है, किसी भी गेम खेलना है, तो दोस्तों आपको आसान तरीके स्मार्ट एलईडी टीवी में मोबाइल को कनेक्ट करके आसान तरीके कर सकते हो। लेकिन आपका जो मोबाइल है, आपने जो टीवी में कनेक्ट किया है उसको डिसकनेक्ट करना है, तो आपको जाना है मोबाइल के सेटिंग पे और यहाँ से आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करके जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है उसको ऑन करके यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। तो आपका जो मोबाइल है यहाँ से आपका स्मार्ट टीवी से डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करना।